नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है, दशमलव का घटाना कैसे किया जाता है, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चों हम सीखते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। दशमलव जोड़ में सबसे पहले बच्चे एक चीज सिर्फ ध्यान देना है कि जो आपको दशमलव है, दशमलव के सामने रखकर जैसे साधारण जोड़ किया जाता है वैसे अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों, 3.43 प्लस 2.352, हमें क्या करना है यहाँ पे, 3.43 हमने क्या बच्चे बोला कि दशमलव को दशमलव सामने रखो। अब यहाँ दशमलव को सामने रखो तो फिर 23 को आगे लिख लो, 23, फिर जो 52 है, 52 है, इसको बगल में लिख दो। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है बच्चों और कुछ नहीं करना है। 3 2 5, 5 4 9, और दशमलव जहाँ है वहाँ दशमलव लगा दो, और 3 2 न 6 और आपका 2, और जो इसका जोड़ आएगा, जो उत्तर आएगा 26.95। बहुत आसान तरीका है। अब सेम डाइट हम सीखते हैं क्या, अब ये एक और हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4.32 और +6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दशमलव नहीं लगा है, अगर जहाँ पे दशमलव ना लगा तो उसके दाहिने तरफ ऑटोमेटिक दशमलव रहता है, तो हमने अब इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, 4.32 बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो हमने क्या बोला कि अगर दशमलव नहीं दाहिनी तरफ, इसका मतलब है ऑटोमेटिक दशमलव है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6.। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे हम 0.0 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2.3 सामने दशमलव, और 6 4 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 10.32। ठीक है, अब बच्चों हम जोड़ देख लिए, अब हम क्या देखते हैं घटाव, दशमलव का घटाना कैसे किया जाता है। बच्चों सेम डाइट इसमें भी वही है, दशमलव को दशमलव के सामने रखो, उसके बाद क्या कर दो घटा दो, 63.72, फिर यहाँ माइनस, अब दशमलव को सामने दशमलव रखो, फिर इधर 44 से 44 की, और इधर कितना है 32 यानी कि 32 है, इसको क्या करते हैं हम घटा देते हैं। 2 में से 2 गया कितना है बच्चों, 0 है। 7 में से 3 के बच्चों कितना आएगा, 4 दशमलव सामने दशमलव। 3 में से 4 नहीं कटेगा, इसमें उधार लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 4 का कितना बचेगा बच्चों, 9। अब यहाँ पे 5 बजे, 5 में 4 के कितना आ जाएगा, 1, इसका आंसर क्या जाएगा, 19.40। अब हम बच्चों आगे देखते हैं दशमलव का गुणा। ठीक है बच्चों, दशमलव गुणा में हम क्या करेंगे बच्चों, सेम दैट इसको भी वैसे लिख लेंगे, 32.5 × 3.2। अब जैसे साधारण गुणा किया जाता है इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 5 10 की 0, 2 2 न 4 5, और 2 3 6, 3 5 15 की 5, क्योंकि गुणा में आपको पता है कि दाहिने तरफ एक अंक छोड़ के लिखा जाता है सेकंड पद में, 5 3 15 5 हासिल आए 1 बच्चों, और 3 2 न 6 1, हासिल उसमें कितना हो गया 7 3 3 का 9। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 0 5 2 न 10 की 0 हासिल आए 7 6 13, और एक हासिल इसमें कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 9 है कितना हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे बच्चों, ये आ गया आपका गुणनफल 10,400। अब यहाँ पे हम दशमलव कैसे लगाना, अब देखना कि दाई तरफ कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चे कितना जाएगा, 104.00। समझ आया बच्चों। अब आगे देखे हैं कि हम दशमलव का भाग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों दशमलव का भाग कैसे करते हैं, 3.5/0.25। बच्चों सबसे बड़ी चीज है कि दशमलव भाग में हमें ध्यान देना है, इससे पहले क्या करना है दशमलव को हटा लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो अगर 2 अंक बाद दशमलव है तो अगर हम यहाँ पे ऊपर और नीचे सब का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और ये दशमलव भी हट जाएगा, और हमारे इस जो ये हमारा जो पद है इसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 × 100/0.25 × 100। देखिए भैया, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, हमारे इस सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या जो दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका गुणा करेंगे कितना जाएगा, 3500/ तो 2500। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे दाहिने तरफ 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है 2 अंक बाद, यहाँ पे 2 अंक लगा देंगे,
अब जो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया इतना बटे 25 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करते हैं, जैसे साधारण भाग दिया जाए तो हम भाग दे देंगे, अब इसको काट देंगे। देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25, यहाँ पे बचा 10, यहाँ हो गया 100, और 25 चौके 100, यानी कि ऊपर कितना बचा 14 और नीचे 1 है, 1 का कोई मान नहीं। तो आपका जो यहाँ पे दशमलव का भाग जो किया उसका उत्तर कितना गया बच्चों, 14 आ गया। बाकी मैं अपने वाणी को यहीं पर विंडो करता हूँ, आगे का वीडियो आगे डालता हूँ।